हे hey, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आप लोग सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक में आप किस तरह से पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि हम यूट्यूब चैनल या ब्लॉग या वेबसाइट बना के अपने गूगल एडसेंस के ऐड लगा के पैसा कमाते हैं, ठीक उसी तरह फ्रेंड, जैसे कि ये मेरा एक ब्लॉग है, मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर मैंने गूगल एडसेंस के देखे ऐड लगा रखे हैं। तो इन ऐड पर जब क्लिक होता है फ्रेंड, ये जो हम आर्टिकल लिखते हैं उनके अंदर जो ऐड होता है उस पर क्लिक होता है, तो हमें कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं गूगल एडसेंस के द्वारा। सभी को मिलते हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं या ब्लॉगर हैं। तो इस तरह, तो ये जैसे मेरा एक ब्लॉगर फ्रेंड, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है। तो ऐसे ही फेसबुक ने भी आर्टिकल लिखने के द्वारा, ऐसे ही फेसबुक ने, यदि आप आर्टिकल लिखोगे तो फिर आपको वहाँ पे जो ऐड लगेंगे फेसबुक के द्वारा, वहाँ जब क्लिक होगा तो आप वहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो फ्रेंड मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि आप किस तरह से पैसे कमा सकते हैं, और आने वाली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप उस फेसबुक के ऐड किस तरह लगा सकते हैं अपने फेसबुक पेज पर, या फिर अपनी वेबसाइट पर भी आप फेसबुक के ऐड लगा सकते हैं, जैसे कि गूगल एडसेंस के हम लगाते थे आज से पहले। अभी तक आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी फ्रेंड, जिसमें ये बताया गया होगा कि फेसबुक में ऐड चालू करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो आज मैं बिल्कुल ऑफिशियली तरीका आपको बता रहा हूँ कि फेसबुक में किस तरह पैसा कमा सकते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे मेरी विंडो पे, यहाँ पे लिखा है फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट रजिस्टर करनी पड़ेगी, अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर करनी पड़ेगी, और इसके बाद एक और है फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल, वहाँ जाके मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आप अपने फेसबुक पेज से, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड कि आपका फेसबुक पेज होना चाहिए। फेसबुक की में अकाउंट होने से कुछ नहीं होगा, आपका फेसबुक पेज भी होना चाहिए। यदि आपका फेसबुक पेज है फ्रेंड, तो आप फेसबुक के ऐड लगा के फेसबुक एडसेंस से पैसा कमा सकते हैं। आप क्या करें फ्रेंड, सबसे पहले आप अपने फेसबुक पेज पर आए, ठीक है, फेसबुक पर लॉग इन कर लें, और फेसबुक में यदि आपने अपना ऐड चलाना है फ्रेंड, या फेसबुक का ऐड चलाना है, तो सबसे पहले आपके पास अपना फेसबुक के अकाउंट पे आपका फेसबुक का कोई पेज होना चाहिए। जैसे मेरे पास ये दो हैं, एक ये है जो मैंने आपके सामने ओपन करा, ठीक है, इस पर मैं अपने आर्टिकल वगैरह पोस्ट करता था, तो पोस्ट नहीं फ्रेंड आर्टिकल, ठीक है। देन सेकंड इज ये मेरा दूसरा है हिंदी सेल गुरु के नाम से, यहाँ पे भी मैं अपने ब्लॉग के या अपनी वेबसाइट के आर्टिकल पोस्ट करता रहता हूँ। तो मैं फिर कह रहा हूँ फ्रेंड, पोस्ट नहीं, पोस्ट अलग होती है जो हम फेसबुक में लगाते रहते हैं, यहाँ आर्टिकल लिखना है आपने फेसबुक के लिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ जैसे पेज पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे जो पब्लिकिंग टूल है वहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको कहीं भी फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल का कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा होगा। पहले तो ये किसी के लिए ही अवेलेबल होता था, मगर अब फेसबुक ने सबके लिए अवेलेबल कर लिया। तो यहाँ क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे आपने फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क पे क्लिक कर देना, स्टार्ट नाउ कर देना, यहाँ पे ऑडियंस नेटवर्क पे, यहाँ पे भी स्टार्ट नाउ कर देना है। जैसे आप स्टार्ट नाउ करोगे, यहाँ डिस्प्ले में सबसे पहले आप सबके वेबसाइट का URL मांगेंगे, तो अपनी वेबसाइट का URL आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें। इस फेसबुक ऐड के लिए आपके पास सबसे पहले कोई वेबसाइट या ब्लॉग होनी चाहिए फ्रेंड, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट ईमेल डाल के कैरेट ऐप ID पे क्लिक कर दें। अब यहाँ जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ एक कैप्चा कोड आएगा, टेक्स्ट कोड जिसे भी कह सकते हैं आप, उसे भर के यहाँ सबमिट कर दें। तो इस तरह से फ्रेंड आपका एक फेसबुक का ऑडियंस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब क्या करना है फ्रेंड, अब आपने सेकंड स्टेप करना है, आपने अपने गूगल पे लिख के फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल, ठीक है फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे विंडो पे देख रहे हो, और उस पर पहले वाले पे इंस्टेंट आर्टिकल फेसबुक वाले पे, पहले वाले पे क्लिक कर देना। अब क्लिक करते ही देखो फ्रेंड, यहाँ कहीं भी फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल का कोई कॉलम नहीं है। तो अब ये किस तरह आएगा, ये हमें बनाना पड़ेगा, यानी कि हमें लाना पड़ेगा। तो इंस्टेंट आर्टिकल पे जैसे हम क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, वहाँ पे आपके दोनों ही पेज ओपन होंगे। अच्छा, फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करें रखना आप, ठीक है। लॉगिन करने के बाद जैसे आप आओगे तो यहाँ पे आपको दोनों पेज दिखाई देंगे, दोनों पेज भी दिखाई देंगे, जो भी आपको सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक करके एक्सेप्ट इंस्टेंट अकाउंट पर क्लिक करके ये कंटिन्यू कर दिया हमने, ठीक फ्रेंड। अभी कंटिन्यू करने के बाद अब आप देखना, ये देखिए, ये इंस्टेंट आर्टिकल्स का एक कॉलम अब यहाँ पे ऐड हो गया है। अभी मैं पीछे आपको दिखाऊं तो अभी तक नहीं था इस मेरे पर,
पेज पर देख लो, इंतीस सेल गुरु का ये भी पेज है पहले वाला, ठीक है। देन अभी जब मैंने इसे रजिस्टर्ड करा तो ये पेज इस पर आर्टिकल ऐड हो गया है, आप पूरा का पूरा देख सकते हैं, पूरा का पूरा आर्टिकल ऐड हो गया। तो अब मैं इसको किस तरह यूज़ करते, किस तरह से आप ऐड लगा सकते हो वो मैं आपको बताऊँगा, और इस वीडियो में मैं आपको इसके रूल एंड रेगुलेशन बता रहा हूँ। अगली वीडियो में किस तरह आप इसके कोड लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे या फेसबुक पे वो भी बताऊंगा। तो अगली वीडियो का वेट करें जो मैं सेकंड स्टेप पे बताऊंगा, सेकंड वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ देख लो, सबसे पहले लिखा हुआ है, आप टॉप पे देख सकते हैं प्लीज़ एड्रेस, यहाँ पे स्टेप वन स्टेप टू, या आप धीरे पढ़ लें तो यहाँ पे एक आर्टिकल को मैंने ब्लू लाइन से करा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ प्लीज़ हैव द ऑटोमेटिक ब्लॉक मोर कंसिस्टेंट एंड द फिक्स यू कैन द सबमिट रिव्यू, ठीक है। सेकेंड स्टेप भी आप आराम से पढ़ लें कि किस तरह आप अपनी फेसबुक की पोस्ट में ऐड लगा सकते हैं, यानी कि आर्टिकल में ऐड लगा सकते हैं। नीचे भी कुछ कंटेंट है, कंटेंट टू योर साइट, तो ये सब चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा आगे, ठीक है। अभी मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये एकदम परफेक्ट तरीका है। अच्छा, सबसे पहले फेसबुक ऐड से किस तरह पैसे कमाए जा सकते हैं वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर जहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ एड्रेस पेज इशू बिफोर सबमिट, जिस थर्ड स्टेप पर ऊपर वाले स्टेप पर, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैं रेड ऊपर देता हूँ, यू आर मोस्ट आर्टिकल फोर मोर आर्टिकल रिव्यूअर, मतलब इसका कहना यह है कि आपके पेज में कम से कम 5 आर्टिकल होने चाहिए तभी आपकी आपके फेसबुक में ऐड चल सकते हैं, तभी आप कुछ पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये देख लो मेरी साइट है, यहाँ पे एडसेंस के बहुत सारे ऐड चल रहे हैं, जैसे मैं आपको क्लिक करके बताऊँ, जैसे कि ये एक मैंने आर्टिकल फेसबुक में करा हुआ है, ठीक है। तो ये आर्टिकल किस तरह का एक आर्टिकल होता है जो कि मैं वहाँ से कॉपी करके लिंक यहाँ आप डाल सकते हैं अपनी, मतलब डाल सकते हैं। ये देखिए, ये एक मेरा आर्टिकल है, ठीक है। पोस्ट अलग होती है, आर्टिकल अलग होता है, आप आर्टिकल से कमाओगे। यहाँ पे कई ऐड देख सकते हो आप, गूगल एडसेंस के कई ऐड लगे हुए हैं, जैसे कि राइट हैंड पे लगा हुआ है, तो आप इस तरह का ऐड लगा सकते हैं। थर्ड इज कॉन्टेक्ट योर साइट, अब ये देख लो कॉन्टेक्ट योर साइट, यानी कि ये जो ऐड आ रखा है, ये जो कोड है, ये आप हेडर में लगाएंगे या फुटर में लगाएंगे, अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे या फेसबुक पेज पे आप किस तरह लगाएंगे, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये वाला कुछ कॉपी करना पड़ेगा, किस तरह पेस्ट करके कहाँ लगाना पड़ेगा, ये मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। देन यूआरएल, आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पेस्ट कर सकते हैं और फेसबुक का ऐड अपनी वेबसाइट पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पेस्ट हो गया, ठीक है। फ्रेंड, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको, ये प्रोडक्शन आरएसएस फीड, इसे सबको छोड़ दें, अब देन मेन उस पर चलते हैं, जो है जो मेन चीज़ है इसकी, ये ऑडियंस नेटवर्क पे गए, यहाँ पे एडसेंस नेटवर्क पे क्लिक करा और यहाँ पे टिक लगाया और गेट स्टार्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने योर डैशबोर्ड खुल जाएगा। योर डैशबोर्ड पे आप क्लिक करना, योर डैशबोर्ड पे क्लिक करते ही फ्रेंड आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लेसमेंट कर सकते हैं, कुछ इनके रूल रेगुलेशन है, आप आराम से पढ़ लें, ठीक है। फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ ये किस तरह का ऐड लगा सकते हैं, ये सब कुछ आपको बताएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लेसमेंट एज, ये आपकी आईडी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं अगले वीडियो में बना के बताऊँगा, क्योंकि एक वीडियो बनाता तो 1.5-2 घंटे की हो जाती, तो मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा आने वाली वीडियो में। देन आप सेकेंड कर सकते हैं पे आउट, आपको पे आउट किस तरह से मिलेगा तो मैं आपको पे आउट पर बता देता हूँ कि आपको पे आउट किस तरह मिलेगा। ये पे आउट पर मैंने क्लिक करा, पे आउट कह रहे वैसे मिलेगा, एक तो पेपाल के थ्रू मिल सकते हैं यहाँ पे, और एक आपको डायरेक्ट मिल सकता है जैसे कि गूगल एडसेंस में हम लोगों को मिलता है, ठीक है। फ्रेंड, अब मैं परफॉर्मेंस में आपको क्लिक करके बताऊँ, परफॉर्मेंस में आप ये देख सकते हो, जैसे गूगल एडसेंस में आप देख सकते हो कि $100 के बाद हमें अमाउंट मिलती है, यहाँ पर भी वैसे ही सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे भी आप अपने डिटेल वगैरह भर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक देख सकते हैं कितने क्लिक हुए हैं, क्या CTR है, क्या RPM है, क्या रेट चल रहा है ऐड का, ये सब कुछ यहाँ देख सकते हैं जैसे हम गूगल एडसेंस पे देख सकते हैं। तो फेसबुक ने बहुत ही बढ़िया ऑप्शन निकाला है, इसे हो रहा है कि फेसबुक भी एडसेंस की तरह हमें पैसा दे सकता है, और उसके ऐड हम अपने फेसबुक पर भी लगा सकते हैं और अपनी वेबसाइट पर भी लगा सकते हैं। सबसे अच्छा फ़ायदा है जो कि एडसेंस के ऐड हम अपने फेसबुक में नहीं लगा सकते थे, मगर फेसबुक के ऐड हम दोनों जगह लगा सकते हैं, फेसबुक पर भी और अपने एडसेंस अकाउंट में भी। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो बेल का आइकन आ रहा है इसे दबा के मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले ले सकें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की ऑनलाइन इनकम से रिलेटेड वीडियो अपने यूट्यूब चैनल और अपनी वेबसाइट हिंदी सेल गुरु में डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय गंगे मैया की, जय हिंद, वंदे मातरम।